भूत प्रेत से जुड़ी बातों पर किसी को एकदम से यकीन नहीं होता और अधिकांश लोग यह कहकर इस विषय को नकार देते हैं कि भूत कुछ नहीं होता। इसके बावजूद कुछ स्थानों पर अजीब सी रूहानी ताकतें, अजीबोगरीब आवाज़ें और विचित्र प्रकार की पारलौकिक गतिविधियों के माध्यम से अपने होने का एहसास करवाती है। ऐसी ताकतों को हम चाहते हुए भी नकार नहीं पाते और ऐसे स्थान फिर डरावनी जगहों के नाम से चर्चित हो जाते हैं। अपने ही देश में मौजूद ऐसे ही स्थान के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में इतिहास की कई धरोहरें स्थित हैं, जिनको देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसी नदी भी है जो खूनी नदी कहलाती है। यह पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी इलाके में बहने वाली एक नदी है, जिसके आसपास खूब हरियाली है और वायु भी शानदार है, लेकिन यह इलाका दिखने में जितना शानदार है उतना ही खतरनाक भी है। इस नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोगों की माने तो उन्होंने इस इलाके में रात को रोने और चीखने की आवाज़ें सुनी हैं। लोगों का कहना है कि इस नदी और आसपास के इलाकों पर किसी बुरी आत्मा का साया है। जिस तरह से यहाँ आए दिन मौतें होती रहती हैं और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, उससे लोगों के दिलों में डर बैठ गया है। यही वजह है कि यहाँ कोई व्यक्ति नज़र नहीं आता। इस नदी को खूनी नदी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 1857 की लड़ाई के दौरान जो भी बागी या अंग्रेज़ मारे जाते थे, उनकी लाशों को इस नदी में फेंक दिया जाता था। तभी से इस नदी का नाम खूनी नदी मान लिया गया। कहा जाता है कि उन्हीं लोगों की आत्माएं यहाँ पर भटकती हैं और रात में उन्हीं रूहानी ताकतों के चिल्लाने और रोने की आवाज़ आती है। इन्हीं प्रेत आत्माओं के डर की वजह से लोग यहाँ रात तो क्या दिन में भी जाने में डरते हैं। इस खूनी नदी के आसपास कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इन्हीं सब कारणों से अब यह इलाका एकदम सुनसान रहता है। हमेशा सुनसान और वीरान रहने की वजह से ही अब यह नदी भूतों और प्रेत आत्माओं का बसेरा बन गई है। तो यह थी दिल्ली में बहने वाली खूनी नदी की पूरी हकीकत। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।